देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, इसको लेकर भविष्यवाणियां जारी है। एक ओर जहां राजनीतिक पंडित जीत हार की गणना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आचार्य कुंडली देखकर राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच ज्योतिषाचार्यों की भी भविष्यवाणियां सामने आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार्य कृष्णकांत ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री भाजपा के नेता बनेंगे और प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 368 सीट भाजपा को प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं और सहयोगियों के और गणना की जाए तो कुछ संख्या बढ़ेगी और भारत की भूमि पर, भारत के दिल्ली के राजसत्ता पर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में विराजमान होंगे। आचार्य कृष्णकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत का दावा तो किया ही, वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा लगभग 370 सीटों पर जीत के दावे भी किए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कुंडली को देखकर आचार्य ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की कुछ सीट बढ़ने का दावा जरूर किया है। परिस्थितियों में आपके ग्रह बल जरूर सुधार करेंगे, किंतु प्रधानमंत्री पद बनने में कांग्रेस के किसी भी वर्तमान में जो नाम है इन नेताओं को बनने में कठिनाई है। इसलिए मैं आचार्य कृष्ण जरूर कहना चाहूँगा कि श्रीमान राहुल गांधी जी को राजनीति के लिए थोड़ा परिश्रम करनी होगी और कुछ पुनः प्रधानमंत्री आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ज्योतिष गणना की माने तो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी के सर पर सजता दिख रहा है। बहरहाल चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।